अस्सलामु अलैकुम। फरमान अली प्रोफेशनल पॉलिश मैन एक न्यू ब्लॉग के साथ हाज़िर हुआ है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे देखने वाले जहां भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और सलामत रखे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और साथ में बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस करना है ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आज हम आए हैं जोहर टाउन में। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले मैंने एक चाइनीज़ सोफ़े की वीडियो अपलोड की है। वारिस पॉलिश मैन के नाम से चैनल है दूसरा हमारा, वो मेरे अबू का नाम है तो उनके नाम से ही मैंने चैनल बनाया है। तो उस पर मैंने चाइनीज़ सोफ़े की वीडियो अपलोड की है। वो सारा टोटली वुड में बना है, शीशम वुड में बना है, तो उसको हमने फ्रेश किया है। तो अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उस चैनल का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो आप लाजमी देखें कैसे हमने उसको फ्रेश किया। आप ख़ुद भी उस तरह की पॉलिश कर सकते हैं। दूसरा ये कि हमने बेड साइटेबल और ड्रेसिंग, इसको हमने डिको पेंट करना था तो डिको पेंट हमने कर दिया है। साइटेबलें शुरू की हुई थी कल की, तो उन साइटेबलें जो बहुत ज़्यादा ख़राब थी जिसकी वजह पर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम हमारा लगा, तो उसको हमने पेंट शेंट किया है। तो अब हम उसके ऊपर चाक फिनिश कर रहे हैं, तो रबिंग कर रहे हैं रेगमार के साथ। वो भी आपको अभी दिखाते हैं, जो हमने बेड डिको पेंट किया वो भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह हमने डिको पेंट किया। ये देख लें आपके सामने, ये नीचे जो पेंट सारा लगा हुआ है। तो हमने कस्टमर से पहले ही पूछ लिया था कि भाजी ये नीचे से आपकी ये फर्श वगैरह जो भी है ये ख़राब हो जाना, तो भाजी ने कहा कोई मसला नहीं, ये हमने न्यू लगवानी है इसके ऊपर टाइल, तो इसलिए ये नीचे से ख़राब हो गया। बाकी हम जहाँ भी काम करते हैं नीचे पहले प्लास्टर का शापर लेते हैं, वो नीचे बिछाते हैं तो फिर ही इसके ऊपर पेंट करते हैं। तो अबू अंदर काम कर रहे हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। साइड टेबलें शुरू की हैं, साइड टेबलों के दराज जो हैं उसकी रबिंग कर रहे हैं। तो ये देखें, ये अबू अंदर काम कर रहे हैं साइड टेबलों का। मैं भी कर रहा था लेकिन मैंने कहा पहले आपके लिए एक ब्लॉग बना लूँ तो फिर मैं भी अब काम करूंगा। तो ये साइड टेबलें आज इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगी। ये देख लें आपके सामने, ये रबिंग कर रहे हैं हम। नीचे गोल्डन लगाया था तो ये चाक फिनिश इसी तरह होती है कि इसकी रबिंग की जाए अच्छी तरह, एक जैसी रबिंग होनी चाहिए। तो बेड भी आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे, वो भी इसी वीडियो में दिखाया जाएगा लास्ट में। तो आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन का बटन उसको भी प्रेस करना है ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आज बहुत ही लेवल की सर्दी पड़ी हुई है, यकीन करें काम करने को दिल नहीं कर रहा, हाथ लगाने को दिल नहीं कर रहा, और सूरज हमारे सूरज साहब वो भी नहीं निकलते, थोड़ा सा नज़र आया। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि थोड़ी सी धूप लगेगी, धूप लगेगी तो हमारा काम सारा सेट होना है। तो इंशाल्लाह इसी तरह आपके लिए ब्लॉग बनाया करूँगा और आपने बहुत ही मज़े के साथ और बहुत शौक के साथ आपने मेरे व्लॉग देखने। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज़।